झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर और तेलीबांधा शूटआउट के मास्टरमाइंड अमन साव से पुलिस अब तक 30 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान अमन साव ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमन साव गैंग के निशाने पर अब भी 53 टारगेट है, जिसमें देश भर के कई बड़े कोयला कारोबारी, सरकारी ठेकेदार, बिल्डर और उद्योगपति शामिल। जानकारी मिली कि अमन साव गैंग का संपर्क देश भर के कई राज्यों पर फैल चुका है, जिसमें झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य शामिल है। पुलिस रिमांड की पूछताछ में अमन साव ने एशिया के कई देशों में अपने कनेक्शन होने को स्वीकार किया है। पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद अमन साव को 19 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा।